34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आज पहला वीकेंड यानी दूसरा दिन रहा, लेकिन पर्यटक कम नजर आए। हस्तशिल्पी और कलाकार पर्यटकों की बाट जोहते नजर आए। जहां कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया, वहीं पर्यटन कम नजर आया। दुकानदार और हस्तशिल्पी बिक्री के लिए स्टॉलों पर पर्यटकों की बाट देखते नजर आए। साथ ही बता दें कि आज तुर्किस्तान का नृत्य सूरजकुंड के छोटे चौपाल पर प्रस्तुत किया गया और राजस्थानी कलाकारों ने भी अपना नृत्य दिखाया। अरावली में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो चुकी है और जो दर्शक हैं लगातार अब यहां पर पहुंचने लगे हैं और मेले का लुत्फ उठाने लगे हैं। हमारे साथ जो दर्शक हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, मेले की शुरुआत हुई, पहले दिन यहां पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। हम हर साल यहां आते हैं, मतलब हमें बहुत ही अच्छा लगता है ये। अच्छा, हर साल आते हैं आप, लगातार आते हैं, क्या कुछ आपको यहाँ पर हर बार नज़र आता है, नया खास नज़र आता है, क्या क्या चीज़ें जो आप पसंद करते हैं यहाँ पर? एक तो ये है कि अलग अलग स्टेट की जो हैं एग्जीबिशंस लगती हैं और यहाँ काफ़ी कलेक्शंस डिफरेंट स्टाइल एंड न्यू वराइटी मिलती है हम लोगों को, तो यहाँ हम हर साल आते हैं और हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ खरीदते हैं यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ देखते हैं आप और क्या क्या चीज़ें आपको सजो कर ले जाते हैं अपने साथ यहाँ से? जैसे कि हर स्टेट की अपनी एक अलग मतलब खासियत होती है, जैसे कि कपड़ों को लेकर या फिर कुछ सजावट की चीज़ों को लेकर यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती है जो हमें लगता है कि हमें यहाँ से लेके जाना चाहिए। हर साल आते हैं सर, मतलब खूब एकदम कलाकार करते हैं, चीज़ें देखने को। हाँ बिल्कुल, जो हैंडीक्राफ्ट का है या जो डिफरेंट स्टेट की जो डिजाइनिंग है वो बहुत अच्छी लगती है और हर बारी अलग थीम होती है यहाँ पर, तो वो थीम भी। आज आपने मेला देखा पूरा, आपने घूमे फिरे हैं, क्या कुछ अब इस बार नज़र आ रहा है, क्या कुछ सुविधाएँ हैं, कुछ क्या कुछ कहना चाहिए? तो सुविधाएं तो पूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है, खाने का भी अच्छा अरेंजमेंट है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात हमें तो लगी नहीं अभी तक यहाँ पर ऐसे कोई। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell icon.